कि ये इम्पैक्ट कर सकती है ये डिसीजन फ्यूचर में पार्टिसिपेशन को लेके पाकिस्तान की इंडिया में जो अगला वर्ल्ड कप भी है अगले साल एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी। तो चेयरमैन साहब ने मतलब कोई सारे वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी धज्जियां बखेर बखूर के जो प्रेस रिलीज है वो मोहसिन साहब जो आप कल कह रहे थे कहीं ना कहीं जो आप टीवी पे कह के आए हैं वो ही लगता है कोई सुन लिया बात, मिलजुल के बात होती बैठते, लेकिन इन्होंने वो जैसे डिक्टेटर एक बात बोल देता जी ये नहीं होगा नहीं होगा। मैं इन तमाम पॉइंट से डिसएग्री करता हूं। अपनी पॉइंट से डिसएग्री करते हो यार, आपने तो ज्यादा सख्त बोला है ना। सख्त क्या बोला है मैंने, तो आखिरकार नहीं जाना चाहिए। हाँ तो मैंने तो क्या रमीज राजा साहब मैं आपने हाँ, इसका जवाब हाँ, क्या जवाब फिर अब आप मुझे रोकेंगे रमीज राजा हूं। गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। रमीज राजा ने जवाब दे दिया है, इसी बात का इंतजार था कि बीसीसीआई ने जो ऐलान कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने, अब पीसीबी क्या कहेगा, और कह दिया है। रमीज राजा ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बयान दे दिया है जिसमें क्या क्या लिखा है, कितने सख्त वो लफ्ज हैं, कितना गुस्सा उन्होंने जाहिर किया है बीसीसीआई पर। बीसीसीआई को उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है, उन्होंने कुछ फ्रेजेज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि वे जवाब उन्होंने जय शाह को दिया जो कि एसीसी के चीफ है। ने क्या कहा आप अच्छे से जानते ही हैं, हर कोई जान चुका है अब तक। देखते हैं सीधा रिएक्शन कैसा है इस पर। लेकिन अब नेट रन रेट का क्या इस ग्रुप में तो कोई फायदा ही नहीं है। सीधा सीधा जो अगला मैच है वो आपका नॉकआउट मैच ही है, जो अगर ये जिम्बाब्वे आखिरी मैच अपना अगला जो मैच खेलेगा वो मैच, और दूसरी तरफ से ये जो वेस्ट इंडीज और आयरलैंड अपना अगला मैच खेलेगा वो भी नॉकआउट है। जो जीतेगा आगे चला जाएगा, जो हारेगा वो टाटा बाय बाय, यही काम अब जिम्बाब्वे वाला। तो नेट रन रेट का कोई इतना बीच में हिसाब किताब रहा नहीं। रमीज राजा साहब चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब में जो बातें लिखी हैं वो जाहिर हम डिस्कस करेंगे। उसमें प्रेस रिलीज ही जारी की है और काफ़ी मोहतात अल्फाज में उन्होंने बीच में लिखा है, और लिखा ये है कि ये इम्पैक्ट कर सकती है ये डिसीजन फ्यूचर में पार्टिसिपेशन को लेके पाकिस्तान की इंडिया में जो अगला वर्ल्ड कप भी है अगले साल, और उससे अगला जो साइकिल है 24 से लेके 30-31 और वहाँ तक जो 7-8 साल हैं जितने भी इवेंट हैं, तो ये फिर इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस डिसीजन की। और दूसरी बात उसमें जो लिखी हुई है कि जब ये फैसला लिया गया था तो ये जाहिर है कि बीसीसीआई भी की रिप्रेजेंटेशन भी थी उसमें, कि जब ये फैसला हुआ था 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा, तो उस वक्त क्या जय शाह साहब या बाकी जो रिप्रेजेंटेशन बीसीसीआई के थे तो उन्होंने ये पॉइंट क्यों नहीं उठाया कि नहीं जी पाकिस्तान में नहीं हम करवा सकेंगे या नहीं करवाना चाहिए। किसी एक रुकन ने भी नहीं कहा कि नहीं पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। तब बिल्कुल सबने कहा कि जी ठीक है अब पाकिस्तान की बारी है, पाकिस्तान में होना चाहिए, कोई एक पॉइंट भी नहीं उठाया। दूसरा एक वैलिड पॉइंट बीच में ये है कि देखें अब वो है चेयरमैन उसके भी क्या कहते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, तो चेयरमैन साहब ने मतलब कोई सारे वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी धज्जियां बखेर बखूर के जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया। कोई मीटिंग बुलाई जाती है, कोई कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, कोई तरीका कार होता है, वो मतलब अब एक ऑर्गेनाइजेशन के बड़े हैं, वो हेड हैं, तो वो ही इस तरह की बातें करें। तो इस तरह की जो प्रेस रिलीज आई है वो पढ़ के भी आपको बताएंगे और उस पर फिर अभी जरा डिस्कशन करेंगे। जीता जरूर है वेस्ट इंडीज, अच्छी उनकी काविश थी, और जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया इट शोज कि वो कितना अंडर प्रेशर थे। दे सेलिब्रेटेड लाइक दे हैव वन अनदर वर्ल्ड कप, और क्योंकि पता था आज हार जाते तो टाटा बाय बाय हो जाना था, हारना था। एनीवेज जो प्रेस रिलीज है वो मोहसिन साहब जो आप कल कह रहे थे कहीं ना कहीं जो आप टीवी पे कह के आए हैं वो ही लगता है कोई सुन लिया बात, तो रमीज राजा साहब भी कह रहे हैं कि हम भी फिर 2023 के वर्ल्ड कप में देखें। डायरेक्ट उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेट मी रीड, इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ने पढ़ के काफ़ी कैलकुलेटेड किस्म के और अल्फाज जो लिखे हुए हैं बीच में वो अच्छे अल्फाज का चुनाव किया हुआ है। फॉलोइंग स्टेटमेंट
फॉलोइंग द एशियन क्रिकेट काउंसिल मिस्टर प्रेसिडेंट मिस्टर जय शाह रिमार्क्स ऑन ट्यूजडे। बीसीसीआई का बीच में यानी नहीं लिखा, साइड पे कर दिया उन्होंने एज अ लेटर जो या प्रेस रिलीज जो जारी किया है वो जय शाह साहब को मुखातिब किया कि आप जो प्रेसिडेंट हैं सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो ये बात आप जरा ध्यान में रखिए। तो ये इन्होंने देखे इंडिया ऑब्वियसली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इसमें ये डिक्टेटरशिप किस्म का जो ये रवैया है ये नहीं चलना चाहिए कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं आप, ठीक है, और एक तरीका कार होता है कोई। अब पाकिस्तान अगर फॉर एग्जांपल ये श्रीलंका का अगर ये इस दफा बारी होती या बांग्लादेश की होती तो कहीं ना कहीं कंसल्टेशन होती, उनके बोर्ड से बात की जाती, उनके प्रेसिडेंट से बात की जाती, ये हमारे रिजर्वेशन हैं और ये हम देख रहे हैं, तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, कोई मिलजुल के बात होती बैठते। लेकिन इन्होंने वो जैसे डिक्टेटर एक बात बोल देता जी ये नहीं होगा नहीं होगा, किसी से कोई बात नहीं, कोई कंसल्टेशन नहीं। मैं इन तमाम पॉइंट से डिसएग्री करता हूं। अपनी पॉइंट से डिसएग्री करते हो यार भजन, मेरी बात सुन लेना एक दफा, आप भी तो मेरा पॉइंट इसमें कहां है? आपने कहा कि पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, तो ये पॉइंट इन्होंने उस तरह कहा है जिस तरह मैंने कहा है? आपने तो ज्यादा सख्त बोला है ना। सख्त क्या बोला है मैंने? तो आपने कहा नहीं जाना चाहिए। हाँ तो मैंने तो सीधा कहा है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा कि नहीं जाना चाहिए, मैंने इसमें कहा है कि भाई इफ यू आर नॉट विलिंग टू प्ले ईच अदर। देखो मैं इसके खिलाफ हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना वो तुर्कमानिस्तान में, यूएई में, श्रीलंका में। आप रमेश राजा साहब में इसका जवाब क्या जवाब? फिर अब आप मुझे रोकेंगे? रमीज राजा हूं। मैं खामोश हूं, आप बोले। सारे सुने जी, मैं रमीज राजा अगर होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे हाथ में होता, हाँ जी, मैं आपको लिख के देता हूं कि जय शाह ये कभी स्टेटमेंट ना देता। एक क्यों ना देता? मैं अपना मुंह बंद रखता, मैं बकवास ना करता, ना मैं इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट देता। अगर मुझे सौरव गांगुली बुलाते मैं जरूर जाता आईपीएल का फाइनल देखने, मैं जरूर पहली फ्लाइट से जाता बीसीसीआई के प्रेसिडेंट से मिलता, सेक्रेटरी से मिलता, दूसरी फ्लाइट से मैं श्रीलंका बांग्लादेश वालों से मिलता, अफगानिस्तान से मिलता, मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल को इतना फॉल जैसे मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन को 6 साल पाकिस्तान की सबसे तगड़ी तंजीम बनाया, इस तरह मैं बोर्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बनाता। मैं अपने पड़ोसियों से देखे, मैं रिजवान की यह बात मानता हूं कि बायलैटरल सीरीज पॉसिबल नहीं है, यस आई एग्री विद दिस, लेकिन क्या यह भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अपना मुंह बंद रखूं? क्या यह भी पॉसिबल नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी बोर्ड के साथ अच्छे रिलेशन रखूं? यार उनका मुंह खुला हुआ है तो ये बंद रखे मुंह अपना। क्या उन्होंने क्या बोला? तो ये क्या बोले नहीं आएंगे तो ये छोटी बात है। हेलो हेलो, हाँ। आपने मुझे कहा है आप बोर्ड के चेयरमैन है, आप होते तो क्या करते? आपने मैं इस आने देता। आप पे तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं आने लगा था वहां, आपने पहले रोक दिया, अभी मैंने आपसे एक मिनट मांगा था, आपने पूरा नहीं दिया, बोल दिया जैसा ना जवाब। भाई आप कह रहे हैं आप होते तो क्या करते, मैं वो बता रहा हूँ उसके लेटर में क्या लिखते जवाब। यार मैं आपसे कह रहा हूँ मैं ये होने ही ना देता कि अगर मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता ये स्टेटमेंट ही ना आती। अब आप कहें आप क्या करते? हाँ। भाई जान मैं ना कोई लेटर लिखता, ना कोई मैं माजरत खाना रवैया अख्तियार करता, हाँ। और ना मैं किसी की हुक्मरानी बर्दाश्त करता, मैं सीधा कहता जी ओके इट इज योर चॉइस, इफ यू डोंट वांट टू प्ले थैंक यू वेरी मच डोंट प्ले, खत्म। आप नहीं आना चाहते पाकिस्तान ना आए, आप भी कहें जी आईसीसी को कि जी हम भी नहीं जाना चाहते इंडिया खेलने, हमारे बगैर वर्ल्ड कप करा ले कोई बात नहीं। ये ऑस्ट्रेलिया ने भी बायकॉट किया था, नहीं गए श्रीलंका खेलने, वेस्ट इंडीज भी गया था नहीं गए, फिर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे। ये नहीं होगा कि आईसीसी जहां चाहेगा इंडिया पाकिस्तान को लड़ाएगा, खिलाएगा, माल बनाएगा और हम लड़ते रह जाएंगे। ये क्या क्रिकेट है? ये कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं। देखें सिक्योरिटी का इशू है, मैं सबसे पहले आगे फ्रंट लाइन पर खड़ा होकर कहता कि यस हमारे दोस्तों को नहीं आना चाहिए, जैसे हम 11 साल हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान में आए, और जब हमारे हालात अल्लाह ताला ने बेहतर की, हाँ। सही हुए, हमने कहा। अब देखें न्यूजीलैंड आया, भाग गया लेकिन आया, इंग्लैंड पूरा खेल के गया, ऑस्ट्रेलिया पूरा आपके साथ खेल के गया, भी आएगा तो न्यूजीलैंड दोबारा आएगा, इंग्लैंड दोबारा आएगा। तो बात यह, अगर इंडिया पाकिस्तान ने बिल्कुल नहीं खेलना, फैसला हो गया कि नहीं खेलना ही नहीं है, तो भाई ठीक है ना खेले। तो दोस्तों रमीज राजा ने भी कह दिया है कि सोच लीजिए, सोच लीजिए इस तरह का फैसला
आपने कर लिया है, बदल सकते हैं आप फैसले को, उनके कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर आप इस तरह का फैसला लेते हैं तो इसका असर दूर दूर तक देखने को मिलेगा। और आज के मैचेस पर बात करें तो पाकिस्तान अफगानिस्तान और इंडिया न्यूजीलैंड हो ही नहीं पाया। दूसरा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान की पारी स्टार्ट हुई थी बस उसके बाद नहीं हुआ, और इस तरह से इन दो मैचों का रिजल्ट कुछ नहीं रहा। लेकिन वेस्ट इंडीज़, वाह 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 वाह, बचा लिया वेस्ट इंडीज़ ने अपने आप को। 31 रनों से शानदार जीत जीती है वेस्ट इंडीज़। अभी मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई हैं, आगे भी बरकरार है, जो जीतेगा आगे चला जाएगा, अगर नहीं तो सफ़र बस इतना ही। यहाँ हुई बातचीत पर अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।